खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमान खटीमा से है, जहां चकरपुर के बनखंडी महादेव मंदिर में शिवरात्रि के महा अवसर पर लगने वाले मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस हाईलाइट मोड पर नजर आई। चकरपुर चौकी इंचार्ज व मेला सुरक्षा प्रभारी प्रियांशु जोशी द्वारा बाहर से ड्यूटी पर आए समस्त पुलिस कर्मियों की बैठक ली गई। बैठक में प्रियांशु जोशी द्वारा सभी लोगों को सुरक्षा व्यवस्था की नियमावली समझाई गई व साथ ही सभी लोगों को आदेशित किया गया कि आप सभी लोग अपने कर्तव्य का सही पालन करते हुए मेले को सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही प्रियांशु जोशी ने यह भी बताया कि कोई भी स्थानीय या बाहरी व्यक्ति अगर मेले में हुड़दंग मचाते मेले में पाया गया या मेले में असामाजिकता फैलाने का प्रयास करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त मेले की सुरक्षा में 22 SSI, 3 SI, 20 एडिशनल SI, 25 पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिसमें से 15 महिला पुलिसकर्मी भी ड्यूटी में तैनात हैं। इसी के साथ आज खटीमा कोतवाली के CO वीर सिंह द्वारा मेले का मुआयना किया गया। मेले के मुआयने के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जितने भी लोग दराती, कुल्हाड़ी, चाकू इत्यादि धारदार हथियार बेच रहे हैं, उन सभी लोगों को बताया कि आप सभी लोग इन हथियारों का ब्यौरा रखें ताकि इन हथियारों से कोई नुकसान न हो। कल शाम चकरपुर चौकी इंचार्ज द्वारा चेकिंग अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हुड़दंग मचा रहे 8 लड़कों की पुलिस एक्ट के तहत चालान काटे गए। 2 पिकअप, 2 बाइक, 1 पटाखा बजा रही बुलेट बाइक को भी सीज किया। पुलिस द्वारा मेले में आ रहे सभी श्रद्धालुओं से निवेदन किया गया कि शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अगर मेले में हुड़दंग मचाता पाया गया तो किसी प्रकार के नशे में लिप्त पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चक्करपुर वाला मेला अच्छा चल रहा है और इसमें जो हमारे पास पुलिस फोर्स है वो भी पर्याप्त है और इसमें हमने जो पुलिस की ड्यूटीज हैं उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो जो ट्रैफिक, क्योंकि मेला हाईवे के दोनों तरफ लगा हुआ है तो इसलिए हमने हाईवे के दोनों तरफ बैरियर लगा रखे हैं और बैरियर पे हमने फोर्स को लगा रखा है ताकि जो ट्रैफिक आ रहा है, टनकपुर से आ रहा है या टनकपुर की ओर जा रहा है, तो जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको वो नियंत्रित करके आगे बढ़ाएँ जिससे दुर्घटना के चांस कम रहेंगे। दूसरा, हमने मोबाइल टीम लगा रखी है जो मेला क्षेत्र और जो मेला क्षेत्र के जो आउटर वाला हिस्सा है उसमें भी लगातार गश्त पे रहेंगे कि ताकि कुछ भी अनहोनी ना हो। और बाकी जो तीसरा पार्ट है, जो विभिन्न जो दुकानें हैं, स्टॉल हैं तो या मंदिर हैं, उस पे जो स्टेबल ड्यूटियां हैं वो हमने लगा रखी हैं। नहीं, वो तो DM महोदय के द्वारा एक आदेश दिया गया था क्योंकि 18 तारीख तक बंद रहेंगी मीट की दुकानें।